कल को यहाँ पर है पानीर और उसको लेकर इतने सारे लुंगी आ रहे सिलाने के। कुछ इस प्रकार का पत्ते के अंदर में क्या बोलते हैं आंटी? बोरा बीडी। बोरा बीडी, ये क्या चीज से बना है? राइस है ना। एंड मेरे भाई ने एकदम मस्त पास्ता और मैगी डाल के यहाँ पर जितने भी पीठे थे ना, देखो सारे के सारे अंदर में डाल दिया। और कुछ हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। तो हम लोगों का रमजान खत्म, ईद खत्म, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। एंड आप लोगों ने कुछ दिनों से इतना ज्यादा प्यार दिखाया हमारे वीडियोस में, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली मेरा बहन का भी 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। एंड हम लोगों तो ईद वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, आप लोगों ने तो ब्लॉग दिखा ही, बट अभी ना कुछ और फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो एक है बिशु, एक है बिहू, एक है बिजू, एक है शानखेन, तो ये कुछ फेस्टिवल है। और आज से शायद बिजू शुरू भी हो गया, तो देवरी का, असमिस का, चकमा का, शानखेन खामती का, चार फेस्टिवल एक साथ। किधर 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 जाए, किसका व्लॉग बना, ये ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज तो बितुल भैया बुलाया हम लोगों को बिजू में, तो हम जाएंगे वहां पर और देखते हैं कि वहां पर उनका क्या क्या ट्रेडिशनल चीज खाने को मिलता है। और सबसे मेन चीज जो मुझे पसंद है, उनका लोकल बिस्कुट, जो कि एकदम आटा से पत्ते वगैरह डाल डाल के वगैरह वगैरह बनाते हैं ना, तो वही सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट सभी लोग मिलकर ऊपर वाला का शुक्रिया करें, क्योंकि आज का दिन आपको देखने को मिला है। और बस शुक्रिया करते रहिए, क्योंकि किसी किसी को ये भी दिन नहीं मिलता है। तो आप चलते हैं दुकान पे, दुकान खोल के उसके बाद आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो कल अपने घर पे आया था एक भैया जो कि नमसाई से है, ऊपर रहते हैं दिल्ली में, और ये हमारे घर पे कैसे कैसे करके लोकेशन देख देख आए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उनको हमने इनवाइट किया था खाना के लिए, सकीना का हाथों का खाना, और भैया चले गए। हमने बहुत देर इंतजार की, कितना देर तक, कम से कम 3 बजे तक हम रुका हुआ था कि अब आएगा, अब आएगा। हम लोग भी सोचे आएगा, और उसके बाद सबीना का हाथ का चाय भी, सबीना वो सब, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ कुछ शेयर भी कर देते हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली में हम वो करते हैं कि नहीं करते, बट उनको सब डिटेल्स पता है कि ये वाला चीज ये अच्छा बनाते हैं, ये वाला चीज ये अच्छा करते हैं, उसके बाद घर का हर चीज पता भाई। इतना तो हमें कभी कभी याद नहीं आता कि हाँ ये क्या 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 नहीं पता। तो खैर अभी दुकान खोल के आया हूँ घर पे, तो अभी यहाँ पर ले लिया अपना गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पर देखो, ये कुछ देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, कुछ देख रहे हो ना, ये कुछ है जंगली सब्जी, और इसका आज हम लोग के घर पे ब्रेकफास्ट पे बन रहा है। बन गया क्या? नहीं, वहाँ रखा है। सबीना आज क्या बनाएंगे? थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया मुझे और इतना प्यार दिखाया कि मेरा 10K ईद के दूसरे दिन ही हो गया। ईद के दूसरे दिन की, ईद के ईद का दूसरा दिन तो हुआ है, वो भी आप सबके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हुआ है, तभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सभी ने कितना खुश है, सब लोग बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी होता है तो तुम लोग कुछ करते नहीं है, इसलिए हम लोग इस बार सोचे थोड़ा केक कटिंग करेंगे बस। ओके ओके, सिंपल। और केक कटिंग कब करेंगे वो अभी डिसाइड नहीं किए हैं, अभी फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल, इसलिए चलो जब भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को। पर अभी ना हम लोगों को ना जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा दुकान, क्योंकि आज को ही सिर्फ खुला रहेगा ना दुकान, आज को ही खुला है ना, कल बंद है। हाँ, कल और परसों 2 दिन बंद रहेगा मार्केट शानखेन के लिए और बिजू के लिए, तभी हम लोग जा रहे शाम को शायद जाएंगे बितुल देखा होता, तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो अभी तक मुझे बस चार फेस्टिवल के बारे में पता था, एक बिजू शानखेन और उसके बाद बिहू। अब ये बंदा कुछ और बता रहा भाई, क्या अब क्या क्या है? बंगाली लोग को भी फेस्टिवल होता है, पहला बैशाख बोलते हैं, बैशाख महीना का पहला दिन ना 14 तारीख है, तो उसमें हम लोग का जैसे बिहू होता है, हम लोग का पहला बैशाख होता है, हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं दुकान लोग में ना, दुकान लोग में देखना आम पत्ता लगा के पूजा करते हैं, तो इससे हम लोग का मतलब नॉट बंगाली न्यू ईयर, मतलब ये हम लोग का न्यू ईयर का काउंटिंग शुरू होता है अभी से, पहला बैशाख से। ओ भाई, वो जो देखते हैं ना शादी वादी में पंजी का, वो नया पंजी का अभी खोलेगा, खोल के उससे तिथि विथि देखेगा, पुराना पंजी का खत्म हो जाएगा 13 तारीख तक। अरे भाई, अभी हम कौन सा दुनिया में जी रहे भाई, 5 5 5 5 इस ब्लॉक में 5, अबे मैं अकेला बंदा दुकान चलाना, किधर जाऊं किधर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे सुबह से क्या को वीडियो बनाएगा।
रिलैक्स करो, चिल करो, चाय पियो, उसके बाद दिमाग को ठंडा करो, पार्ले जी खा के थोड़ा दिमाग खोलो। हां वाह भाई, आज तो भाई काफी ज्यादा गर्म है और प्रीतम चला गया रूपम के घर पे और मैं बैठा हूँ दुकान पे। अभी जाऊंगा सोच रहा हूँ बितुल भाई के घर पे, बस थोड़ा शाम को जाऊंगा ऐसे थोड़ा दुकान वगैरह बंद करके, बट जाने का भी मन कर रहा है, फिर उसके बाद दुकान पे भी देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो रहा है और भूख भी हल्का लग रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, अभी चलते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद फिर दुकान में बैठ कर, और शाम को शायद मैं जाऊंगा बितुल भाई के घर पे, शायद श्योर नहीं क्योंकि लेट भी हो सकता है ना, तो लेट सी क्या होगा देखा जाएगा, अभी दुकान पर बैठते हैं। और कल तो शायद थोड़ा सा मस्ती होगा, मार्केट बंद है और कल वाला ब्लॉग के लिए भी आप इंतजार कीजिएगा, शायद ही बहुत ज़्यादा मस्ती वाला होगा, बड़ा खेलेंगे गेम हम। आज को इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि दुकान में बैठ बैठ के पूरा आलसी जैसा फील हो रहा था और भूख भी लग रहा था पर खाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट अब जाके ना थोड़ा सा भूख लगा है तो सोचा चलो कुछ घर पे खाते हैं। और घर पे जैसे आया ना तो यहाँ पर देखो मेरे भाई ने एकदम मस्त पास्ता और मैगी डाल के एकदम, ये क्या बनाया पता नहीं, मैगी बनाया, पास्ता मैगी, मैगी पास्ता, हाँ यही चीज़ बनाए खाने के लिए। तो ये देखो भाई अच्छा लग रहा है, एकदम सिंपल से, बट मिर्चा वगैरह नहीं डालना सर ठीक था क्योंकि मैं सिंपल खाता हूँ, तो ये खा लेता हूँ उसके बाद नहा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अनफ्रेश ऐसा लग रहा है, नहाने के बाद थोड़ा सा शरीर में एनर्जी भी आएगा और थोड़ा सा खूबसूरत भी दिखूंगा, हैंडसम भी दिखूंगा, अच्छा भी दिखूंगा, बस देखूंगा। तो चलो भाई अपना ये मैगी को फिनिश करते हैं और उसके बाद शाम के दुकान बंद करके जाएंगे रूपम के घर और बीतुल भाई के घर, दोनों के घर जाकर आ जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा आज, फिर अगर फिर नेक्स्ट टाइम जाना होगा तब उस दिन खाएंगे ज्यादा। अभी नहा धोवा लिया है एकदम मस्त है और अपना बस बाली थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बाकी सारा सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि नहाया कि नहीं नहाया, बट पानी वगैरह डालकर हल्का हल्का ना एकदम ठंडा वाला तो शरीर में एकदम हल्का सा फील हो रहा है। अभी चलते हैं दुकान पर और बस दो घंटा बाकी है, दो घंटे बाद मैं करूंगा अपना दुकान बंद, उसके बाद जाएंगे हम बीजू खाने के लिए, बहुत कुछ मिलेगा यूनिक यूनिक चीज़, नाम थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ याद है पर फिर भी जाकर वहाँ पर पता करूँगा और आपको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या इस फेस्टिवल में सर्व किया जाता है स्पेशल और क्या क्या जरूरत होता है, मतलब एक मैंडेटरी होता है ना, जैसे हमारे ईद में सेवई थोड़ा मैंडेटरी रखता है कि हाँ सेवई इज कंपल्सरी, कोई भी आएगा तो उसे खिलाता है, सेम उसी प्रकार उनका भी कुछ कुछ होता है, वो मैं आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा उसका नाम वगैरह क्या क्या है। घुस गया दिमाग में, भाभी का वो वाला एकदम मस्त वाला रिएक्शन, वो ऐसा नहीं होता ना भाभी, देखिए ये वाला अगर ऐसे देगा तो ये वाला ऐसे आता है ना, ये वाला ऐसे आ चलेगा ना, क्या भाभी का ही है क्या, तो ये ऐसे आएगा ना, हाँ नहीं लगता, डबल काम मत करना बस, भाभी नहीं आने से तब तो नहीं होता, नहीं हम बोले काम डबल हो ही गया, निकालो हेलो। कल को यहाँ पर है पांचल और उसको लेकर इतने सारे लुंगी आ रहे सिलाने के लिए, अस्मित तो कौन सा लुंगी पहनू सोच समझ नहीं आ रहा, मतलब हो पहनने के लिए अपना है नहीं यार कौन सा पहनू, सबसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि मेरे लिए कुछ है और ये वाला जो देख रहा हूँ ये कुछ नया लुंगी देख रहा हूँ, बर्मिस लुंगी और ये बहुत ज्यादा गर्म होगा मोटा है, और ये वाला थोड़ा सा डुप्लीकेट वाला लुंगी है पर ठीक ठाक है, ये भी पहनने के लिए मिल जाता ना कल को तो मजा आ जाता। अभी अपना दुकान वगैरह बंद कर लो, पर 7 बजे थोड़ा सा और भी लेट दुकान खुलता है, बट ना उधर भी जाना है, उधर से फिर वापस भी आना है, तो सब कुछ मैनेज करके अभी मेरे दुकान बंद करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं तारिक रूपम के घर पे। तो मैं घर से निकला था 7:30 बजे करीब में और यहाँ पहुंचते मेरा पूरा बज चुका है 8:30, रास्ते में बीच में मेरा बसंती मुझे इतना प्यार दिखा रहा था ना, मेरे साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इसके वजह से मेरा लेट हो गया, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका रूपम के घर पे और कहा गया हैप्पी बीजू, हैप्पी बीजू, सबसे पहले अभी अंगूर खाओ, क्या बोलते हैं ग्रेप्स, अगर बढ़िया बढ़िया चीज खाना है तो कल आना है, कल आना है, अभी बंद रहा है यहाँ पे देखो, ओके नॉट ए बिग डील क्योंकि अभी तो आना जाना लगते रहेगा ना यहाँ पर। तो मैं घर से निकला था 7:30 बजे करीब में और यहाँ पहुंचते मेरा पूरा बज चुका है 8:30, रास्ते में बीच में मेरा बसंती मुझे इतना प्यार दिखा रहा था ना, मेरे साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे,
इसके वजह से मेरा लेट हो गया, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका रूपक के घर पे। और कहा गया हैप्पी बीजू। सबसे पहले अभी अंगूर खाओ, क्या बोलते हैं, अगर बढ़िया बढ़िया चीज खाना है तो कल आना है। अभी बंद रहा है यहाँ पे, देखो। ओके, नॉट ए बिग डील, क्योंकि अभी तो आना जाना लगते रहेगा ना यहाँ पर। ये क्या क्या बोलते हैं आंटी, बोरा बीडी। ये क्या चीज से बना है? राइस है ना। एंड ये देखो, ये कुछ बना हुआ है, यहाँ पर ग्रेप्स मिल गया, और ये है मेरा वन ऑफ फेवरेट, और यहाँ पर दीदी एक बना रही है वन ऑफ माय फेवरेट। ये दो खाने के लिए तो मैं हमेशा आ जाऊँ। इसको दीदी वैसे क्या बोलते हैं आप लोग? संदे फिटी। ओह, इसके अंदर में ना गुड़ होता है कि ना दीदी? और इसके अंदर नारियल भी मिलता है, ये बनाते हुए देखा नहीं आज तक मैंने। ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हो गया इसको। और इधर में कुछ रखा है ना, कुछ इस प्रकार का पत्ते के अंदर में, और नीचे स्टिक रखा हुआ, उसके ऊपर में ये रखा हुआ है, और इसको स्टीम कर देंगे बॉईल, तब मस्त वाला एकदम बन जाएगा, एकदम कैसा ब्राउनी कलर हो जाएगा ना दीदी, ऐसा वाला। और फिलहाल ये वाला देखो, कुछ पत्ते के अंदर अभी दीदी बना रहे क्या? ये गया ऐसे यहाँ से। ये क्या चीज है दीदी वैसे? ये वो लाही चावल से ना। हाँ। पूरा चावल का आटा बना का, उसके बाद इसके अंदर इन्हें का डालो, ये देखो चिपटा करके मुंह बंद कर दो। That's it. हाँ, ना हो गया। इसमें बादाम बादाम वो सब नहीं डालते? कि डालते हैं, नारियल डाला है ना। बादाम को मतलब भूल गया। चलो भाई, अब ये वाला ट्राई करेंगे, ये भी देखे काफी ज्यादा स्वादिष्ट टेस्टी लग रहा है। बादाम जो ना इलेक्शन में बिजी हो गया। सबका ध्यान इलेक्शन में ना। हाँ। जैसे आजकल यूट्यूब पे भी देखता रहा, सिर्फ इलेक्शन वाला चीज आ रहा है। हाँ। वैसे ही है। चलो भाई कुछ खाते हैं, और उसके बाद यहाँ से चलते घर के लिए। काली आहिम भी एटू खाबो लगी वो मोर फेवरेट, एटू भी खाबो लगी वो। इसको क्या बोला था दीदी आप लोग? बोरा पीटी। आईबू खाईबू तभी जानबू। तो भाषा बोला आईबू खाईबू समझ पाईबू। क्या क्या खा लिया मैंने पता नहीं, इसी सब पेट भरेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रिकिया, तो हम लोग जो बनाते हैं उसके अंदर में नारियल भी डालते हैं, समटाइम सूजी भी डालते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं दीदी इसको? सिलोन पिटी। सिलोन पिटी हम लोग इसको प्रिकिया कहते हैं, और इसके अंदर देखो पूरा मस्त नारियल। आप लोगों को मैंने कुछ समय पहले दिखाया था यहाँ पे कितने सारे पत्ते थे, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। एंड ये देखो, ये खाली था, अब धीरे धीरे पूरा भर चुका है। अंदर में है गोल वाला, और उसके ऊपर में है पत्ते वाला, इसमें पूरा मस्त बॉईल करेंगे। और ये आंटी बॉईल होने में कितना समय लगेगा पूरा रेडी होने में? एक घंटा लगेगा ना। हाँ। इसको रात को ही बनाएंगे? तब तो आंटी लोगों का आज रात भर जागना पड़ेगा। मतलब रात भर नहीं, मतलब थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा। और तकलीफ तो एक कुछ नहीं ना दीदी? कुछ नहीं है, साल में एक बार। वही हम बोलने वाला था, साल में एक ही बार दो बार ही आता है, तो ये भाई इसमें तो कुछ नहीं है ना। जैसे हम लोगों का ईद में एक दिन पूरा वाट लग गया था वैसे ही, पर खुशी भी होता है। हाँ, इसमें खुशी बहुत खुशी होता है इसमें। और कल आप लोग का न्यू ईयर ना? हाँ, न्यू एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। एडवांस में थैंक यू जेरी, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। रुपम हैप्पी न्यू ईयर। रुक नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबादें, और क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर जितने भी पीठे थे ना, वो देखो सारे के सारे अंदर में डाल दिया, और कुछ इस प्रकार का बॉईल कर रहे हैं। नीचे देखो पानी है, उसके अंदर में रखा हुआ है पिट्ठा वगैरह, मैं तो पिट्ठा बोलूंगा, और कुछ ऐसे ढक दिया पत्तों से ताकि गैस वगैरह इतना ना निकले, और इसी तरह से बनेगा पूरा मस्त वाला। भालकी नहीं थाकी बा। ओ क्या समझ वाला रे।
बालकनी थकी बा जाएगा दीदी। और सभी को वांस अगेन हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर न्यू ईयर। कल मिलेंगे, कल आना है सब लोग, परिवार वाले सब लोग आना। ओके ओके, न्यू ईयर में मिलते हैं। जो के बाय, मुलाकात होगा। वो अंधेरे में कौन है वो दिखाई भी नहीं दे। चलो मिलते हैं कल, ठीक है मिलते हैं कल। उठो ना जाइबू, ना जाइबू, ना जाइबू, ऐसे यहाँ बैठबू। तोहार खाते हम यहाँ आइलू और तू ना जाइबू। तो वीडियो बना के खाते आइलू, तोहार खाते आइलू। हम बोला तुमको कि तुम रुको, हम आएगा लेने के लिए। तुम बोला अभी नहीं जाएगा, कोई नहीं होगा, ठीक है तो हम जाएगा रात हो के पूरा। तो अभी डायरेक्ट घर पे आके सबसे पहले मैं बिस्तर में नहीं घुसा, सबसे पहले मैं खाना खाया, थोड़ा सा खाया। भूख तो लगा नहीं था बट फिर भी खा ले, क्योंकि रात को उठ के फिर भूख लगा तो दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा खाना खाया और डायरेक्ट बिस्तर करके अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और आज जो जो सोच के रखा था वो उसका तो पूरा अपोजिट हुआ। क्या सोचा था, क्या 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 हुआ पता नहीं, वो आपने व्लॉग में देखा। तो खैर आज की वीडियो के खत्म करते हैं एंड कल वाला वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि कल वाला व्लॉग होगा एकदम मस्त सनखेन वाला। पानी में खेलेंगे हम लोग, वाटर फेस्टिवल। तो मिलते कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड।